जी, मेरा नाम डॉक्टर सादिया सलार है। आई एम रिप्रेजेंटिंग ख्वाजा सरा सोसाइटी। इट इज़ अ कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन रन बाय मिस मानूर चौधरी, जो हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वेलफेयर और राइट्स पे काम कर रहे होते हैं। और मैं लाइक मशकूर हूँ मेरा दारा भी और हम लोग भी कि सायरा अपा ने हमें मौका दिया कि मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक वनरेबल और निगलेक्टेड कम्युनिटी है। हमारे लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ना, एक तो वो सस्टेनेबल नहीं होते, दूसरा ये कि वो इंक्लूजन के बजाय सेग्रीगेशन पैदा कर रहे होते हैं, चाहे वो आईडी कार्ड्स हों या चाहे वो ट्रांसजेंडर स्कूल्स हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं और इंशाल्लाह जो आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फोकस्ड इनिशिएटिव्स लोगे, उसमें आप सस्टेनेबिलिटी को और इंक्लूजन को किस तरह प्लानिंग मतलब और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज में इंश्योर करेंगे, क्योंकि बिकॉज वी रियली वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकॉनमी। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप बड़े तशरीफ रखें, मुझे खुशी हुई कि एक बहुत पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर से यहाँ पर मुलाकात हुई और आपने बड़ी एक सेंसिबल बात की है। इट शुड बी इंक्लूसिव एंड नॉट एक्सक्लूसिव। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आपकी जो कम्युनिटी है उसको एक इज्जत के साथ वकार के साथ रहने का उतना ही हक है जितना कि यहाँ पर बैठे हुए तमाम बाकी जो यहाँ पर बेटियाँ बैठी हैं, और उतना ही हक है जितना कि पाकिस्तान के अंदर किसी और कम्युनिटी को हक है। तो आई वॉन्ट टू अश्योर यू कि आपकी जो प्रोटेक्शन के लिए आपकी जो कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रोडक्टिव चैनल्स में उनको चैनलाइज करने के लिए, बिल्कुल हमने माजी में भी नवाज शरीफ साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्रांसजेंडर हों, हिंदू कम्युनिटी हो, मिनोरिटीज़ हों, उन्होंने हमेशा उनके लिए बहुत आगे बढ़कर बतौर एक अजीम पाकिस्तानी लीडर के उन्होंने हमेशा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की। एंड आई वांट टू अश्योर यू कि इंशाल्लाह आपका जो आपकी डिमांड जो है, आपके जो कंसर्न जो हैं, उनको इंशाल्लाह हम पूरी तरह एड्रेस करेंगे, एंड सो दैट यू आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स अलॉन्ग विद ऑल अदर पाकिस्तानीज।